अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी बहन के घर, और इनके टाउन में शायद कोई शादी थी, तो ये वहाँ का अरेंजमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये है कि हमने जाना है मुल्तान शादी पे, तो ये है कि छोटा सा व्लॉग है, थोड़ा सा शादी का और शॉपिंग का। आई होप सो आप सब लोग इन्जॉय करेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम आए हैं कपड़े लेने के लिए, बच्चों के कपड़े लेने हैं, मेरे हस्बैंड के लेने हैं और मेरे लेने हैं। तो ये है कि सबसे पहले मैं बच्चों के ले लेती हूँ, इससे ये होता है कि उनके कंप्लीट हो जाते हैं कपड़े, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लेती हूँ और एंड में मैं अपने लेती हूँ। क्योंकि जो शादी के आप कपड़े लेते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मैचिंग भी करनी होती है, कोई लेसिस, कोई दुपट्टा, कोई कुछ ना कुछ इस तरह से चलता रहता है। तो आउटफिटर पे आए हैं, यहाँ पे कोई सेल नहीं थी और मुझे बच्चों के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। और मैं अपने बच्चों के कपड़े यहाँ से एक से दो दफ़ा मैंने लिए हैं, मगर अब मैं यहाँ से नहीं लेती, वो इस वजह से कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कपड़े, और बच्चों के कपड़े हर 6 महीने के बाद छोटे हो रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं अब यहाँ से नहीं लेती, और अगर मैं लेती भी हूँ तो मैं तब लेती हूँ जब सेल चल रही हो। तो यहाँ से मैं अपने लिए देख रही थी कपड़े, और ये हैं हम गुल अहमद पे। तो गुल अहमद पे भी जो लॉन के कपड़े थे उन पे सेल थी, बाकी कपड़ों पे नहीं थी। तो मुझे अपने लिए कुछ अच्छा नहीं लगा, मगर मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ से कपड़े लिए हैं। तो बच्चों की और हस्बैंड की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तो ये है कि अब हम लोकल मार्केट जाएंगे। ये वाली जो शर्ट है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर इसमें साइज़ नहीं था, और मैं चाह रही थी कि मैं खद्दर के ले लूं कपड़े या कोई भी गर्म सूट ले लूं। तो क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है बहावलपुर में, ये होता है कि दिसंबर और जनवरी में तो सर्दी ज़रूर पड़ती है, तो इन 2 महीनों में फिर कपड़ों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वरना ये होता है कि मैं मिक्स कपड़े चला लेती हूँ, लिलन के और जो भी गर्म सूट होते हैं वो भी मैं पहन लेती हूँ। तो इधर हम आए थे, और यहाँ पे एक न्यू ब्रांड है सुफना, तो वहाँ से मेरी बहन ने 3 पीस सूट लिया था, मैंने एक शर्ट ली थी, और वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ऐसे हो जाता है, बातें मुझसे मिक्स हो जाती हैं, सो इग्नोर कीजिएगा। ये जो वनीला कलर की आपको शर्ट नज़र आ रही है, इसी में कलर चेंज था तो ये मैंने शर्ट ली थी। और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लाइक केप शॉल थी और इस तरह से। तो ये है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मगर ये ब्रांड जो न्यू ब्रांड है इसको तो फिर यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि इसके कपड़े कैसे हैं। तो सारे ब्रांड विज़िट किए, कहीं पे अच्छी चीज़ें थी कहीं पे नहीं थी, मगर इस दफ़ा कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे जो कि एक ही नज़र में होता है ना कि इंसान को पसंद आ जाते हैं। तो हम लोकल मार्केट आए हैं, यहाँ से भी बच्चों के कुछ चीज़ें लेनी हैं, कपड़े लेने हैं। तो नेक्स्ट डे फिर हम मुल्तान के लिए रवाना हो गए। हम 3 बजे घर से निकले थे, और ये अभी हम बहावलपुर में ही हैं, तो आज के दिन ही इनकी बारात है। तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, वो इस वजह से कि हर जगह मैं व्लॉग नहीं बनाती। और जब से मेरा चैनल शुरू हुआ है, आप लोगों ने पहली दफ़ा देखा होगा कि मैंने नेल पेंट लगाया है। वैसे नेल पेंट मुझे बहुत पसंद है, मैं लगाती भी बहुत थी जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने बहुत यूज़ किया काफ़ी सालों तक, मगर अब मैं नहीं यूज़ करती। वो इस वजह से कि एक तो मेरी बेटी बहुत तंग करती हैं कि वो भी हर टाइम उसको नेल पॉलिश ही लगानी होती है, और दूसरा ये कि फिर नमाज़ पढ़नी होती है। तो यहाँ पे आप इंजॉय करेंगे इनकी लुड्डी, इनको इसको तो हम लुड्डी ही कहते हैं। तो इंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।